इसने बनाया मेरे इस हो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा And आज घर में बन रहे बहुत सारे जो कि बना रही भाभी। रेसिपी में पूरी शेयर करूंगी वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ना कपड़े धोने वाले <laughs> भाभी भी आ गई है हेलो करो भाभी हेलो वैसे ये हमारे मोमो जो कि दूंगी जल्दी से रेसिपी शेयर कर देती हूँ तो हमने ली थी हाफ पत्ता गोभी एंड थोड़ी सी हरी मिर्च अदरक एंड लहसुन उसके बाद हमने लिया था थोड़ी सी प्याज एंड मेरी मम्मी को पनीर वाले पसंद है तो इसलिए पनीर की स्टफिंग भी की थी प्याज को पील करके हमने छोटा छोटा काट लिया था उसके बाद हरी मिर्च भी हमने काट ली थी एंड दोनों को एक साथ हमने चॉप कर लिया था चॉप करने से बहुत बारीकी हो गया था एंड एक ही तरीके का उस करना फिर बैटर बनता है वरना हाथ से काटोगे तो थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है आप देख सकते हो इतना ईजिली हो गया है एंड थोड़ा सा अदरक लहसुन भी अलग अलग किया था हमने देन उसके बाद पत्ता गोभी को भी हमने काट लिया था देन उसके बाद मैंने ये भी चॉपर में चॉप कर ली थी ईजिली हो गया था ये भी अब देख सकते हो कितना ज़्यादा बारीक हुआ है सारी सब्जियाँ चॉप करके अलग रख दी थी देन मेरी भाभी ने मेदा का डो लगाया था इसमें उन्होंने डाला था थोड़ा सा मीठा सोडा मीन्स हाफ स्पून के जितना होगा इसमें है एंड थोड़ा सा इसमें नमक डाला था एंड थोड़ा सा इसमें घी डाला था उसके बाद इसको अच्छे तरीके से गूथ लिया था बहुत अच्छे तरीके से गूथा था एंड इसका जो डो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था बहुत सॉफ्ट था मैं आपको दिखाऊंगी आगे अच्छे से पहले ना इसको उन्होंने मैश कर लिया था सारे इसको अच्छे से बिल्कुल जो ऑयल था एंड मीठा सोडा था नमक था वो अच्छे से इसमें घुल गया था बस दो चीज़ का ध्यान रखना है एक तो डो जो इसका वो सॉफ्ट होना चाहिए एंड दूसरा जो सब्जी हम फ्राई करते हैं उसकी उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी होगा तो मोमो नहीं बनेंगे आप देख सकते हो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड गीले कपड़ा करके उसको ऐसे पूरा कवर करके रख दिया था ताकि वो सूखे नहीं एंड उसके बाद मेरी भाभी ने इसमें सबसे पहले लहसुन फ्राई किया था उसके बाद अदरक इसमें डाल के फ्राई कर दिया था आप देख सकते हो अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुका है देन उसके बाद प्याज भी इसमें फ्राई कर ली थी मिर्च भी थी ये भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गई है आप देख सकते हो ये रेडिश मतलब हो गया है देन इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा नमक डाला था नमक अ, अ, मेंदे के डो में भी था तो आप अपने तरीके से डाले एडजस्ट कर ले कहीं कम या ज़्यादा ना हो जाए इसमें भी था और उसमें भी होगा एंड उसके बाद डाल दी थी पत्ता गोभी पत्ता गोभी को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था मींस इसमें जो पानी होता है जो नमी होती है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी अगर वो होगा तो बैटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा उसके बाद हमने पनीर डाल दिया था एंड उसको बहुत अच्छे से फ्राई किया था मोमो की बैटर में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे कलर बिल्कुल चेंज हो गया है बैटर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैंने तो ऐसे ही खाया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो इसको ठंडा होने दिया था देन चटनी हमने यहाँ पर तैयारी कर ली थी चटनी में मैंने लिया था लहसुन अदरक लाल मिर्च और टमाटर टमाटर को ऐसे कट करके मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे देन बॉयल होने के बाद ठंडा करके भी मेरे हाथ जल रहे थे आप थोड़ा ध्यान से करना बॉइल करने के बाद मैंने इसको नमक डाल के ग्राइंडर में पीस लिया था एंड यार खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी लगी नहीं रहा था कि हमने घर में बनाई है लग रहा था जैसे बाहर से लेके आए बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी बहुत अच्छी थी यानी नेचुरल कलर है इसका जैसे होता है देन उसके बाद हमने स्टीम करने के लिए एक भगोना तैयार कर लिया था देन उसके बाद ऐसे छोटे छोटे लोई बना के स्टफिंग करके अंदर जैसे भी शेप आपको देनी है हमने दो तीन तरीके के बनाए थे सबसे ईजी तो गोल वाले थे <laughs> मुझसे तो वही बन पा रहे थे मेरी भाभी जल्दी जल्दी बना रही थी बटे वाला मैंने बनाया था उसने मुझे सिखाया कि कैसे बनाना है उसके बाद यहाँ पे हो गए थे फिर हमने दूध वाली जो छलनी होती है जुगाड़ करके वो इसमें बनाया देन उसके ऊपर सारे स्टीमर रखे ऐसा नहीं कि मोमोज मेक करनी है फिर इडली मेक करनी है वो है अभी पता नहीं किधर रखा होगा कहाँ डूरेंगे तो उसने जो था उसी को यूज़ कर लिया फटाफट से हमने एंड ऐसे बनाते गए और वो स्टीम हो रहे थे एंड कसम से यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे तो बहुत अच्छे बने थे आप ट्राई करना ज़रूर खाना एंड ऐसे आप टूथपिक से चेक करते रहना बीच बीच में अगर टूथपिक जैसे थोड़ी सी गंदी या लिक्विडी जैसे बोलते हैं वो आएगी तो नहीं बने एंड हमारी यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आ रही थी एंड पूरी फैमिली ने मोमोज एंजॉय किए इन ये फ्लैश लाइट की, की वजह से थोड़ा येलो सारा येलो है नहीं ऐसे आप देख सकते हो तोड़ के दिखाएं बहुत अच्छे बने वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वाओ ब्यूटीफुल टेस्ट में कैसा लग रहा है बताओ बहू के हाथ के मोमो बहुत बढ़िया टेस्ट में बेस्ट यानी एवरेस्ट हां मतलब हां खाओ ठीक है हम्म ये ले लिया हाँ ले लिया <laughs> चटनी से खा लिया चटनी से ले लिया और कैसे है सच्ची सच्ची बताना झूठ नहीं बोलना ये क्या गुंगी हो <laughs> बोला। मुझे बोल बोलो मुझे बोलो बहुत टेस्टी है भाभी हाँ। के हाथ हाँ। हाँ। के हाँ। हाँ। चलो अच्छी बात है बहू खिलाते हुए कैसे लग रहे बहू जी अच्छे